हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ श्री राम कॉलोनी मेडिकल बगीचा में रहने वाली महिला पहुंची एसपी कार्यालय, जहां उसने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए बताया कि किस तरह से सिटी थाना अंतर्गत उसके साथ बदसलूकी की गई है। महिला की माने तो चांचौड़ा में कुछ दिन पूर्व एक बालिका की जली हुई लाश मिली थी, वह उसकी बेटी नेहा की है। वहीं महिला ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाना कोतवाली में अक्टूबर माह में लिखवाई थी, जिसके बाद कई बार चक्कर लगाने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। महिला ने सिटी कोतवाली TI एवं महिला कर्मी पूर्वा और मंदाकिनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग पैसे की मांग करते थे। वहीं महिला के साथ बदसलूकी भी की गई, जिसके चलते आज महिला हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। वहीं हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष केशव शर्मा ने कहा है कि आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो ये आंदोलन जल्द ही चालू किए जाएंगे। मेरी बच्ची 27 अक्टूबर से गायब थी, तो मैंने पुलिस से भी कही कि मेरी लड़की को ढूंढ के लाओ, तो गंदी गंदी पूर्व में गाली देने लगी मुझे, गंदी गंदी गाली देती हैं और पैसा भी मांगती हैं मुझसे, कहती हैं पूर्णमा मैडम हैं और मंदाकिनी मैडम, दोनों मेरे साथ बदतमीजी से बोलती हैं और जो कहती हैं भूल जा तेरी बेटी को, नहीं है तेरी बेटी कही, मुझे सब पता है तेरी बेटी अच्छी रह रही है, भूल जा तेरी बेटी को, जो कहते हैं और मेरे एस सी साहब के पास जाओ भी मुझसे गंदी गंदी गालियाँ दे के, जैसी तू है TI साहब, जैसी तेरी बेटी है, जैसी तू है भग जा जहाँ से, मत आया कर, वे भी ऐसे कहते हैं। कौन कौन से थाने का मामला? जो सिटी कोतवाली गुना, सिटी कोतवाली। कहाँ रहते हो आप लोग? श्री राम कॉलोनी मेडिकल बगीचा। तो अभी अभी आप के समक्ष ज्ञापन देने आई हैं? बेटी जो है ना, जो लाश में लिए ना, जो बेटी के पैर में निशान है वो मेरी बेटी लग रही है, चांचौड़ा। तो आपने पुलिस वालों से इस बात में समझ? हाँ, की पुलिस वालों को मैं गई भी हूँ, कहीं आपकी बेटी नहीं है, कहीं उनका ये नहीं है। हाँ, और तुम्हारी बेटी नहीं है कहीं। तो आपने बोला नहीं कि अगर मेरी बेटी नहीं है तो आप उसको ढूंढो? मैंने कही मेरी बेटी नहीं है तो आप ढूंढो उसकी कोशिश करो, कहीं नहीं है, हम नहीं ढूंढ रहे ना, हम जा रहे हैं कहीं, आप तो घर बैठ जाओ, शांत हो जाओ। आपने कितनी बार आवेदन दे दिया तब से? 2 बार 3 बार दे चुकी हूँ मैं आवेदन। क्या 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 बगा क्या क्या कह देते? नहीं, तुम तो कोई सुनवाई नहीं है, तुम तो जाओ। अभी विगत दिनों चांचौड़ा पठार पर जो एक नाबालिग लड़की की जो लाश मिली है, जिसका नाम नेहा कुशवाहा है, वो 27 अक्टूबर से लापता थी। इसकी शिकायत उनकी माताजी ने गुना कोतवाली ने कर रखा था और उनकी माताजी को पूरा पता था किन लोगों के साथ वो लड़की है, और प्रशासन के पूरे संज्ञान में था कि उस लड़की को कौन लेकर गया है, किन लोगों के साथ हैं, लेकिन प्रशासन ने स्वार्थवश या किसी दबावश उसकी माताजी की सुनवाई न करते हुए उनको ये कहकर भगा दिया कि तुम्हारी लड़की को भूल जाओ, और वो 27 अक्टूबर से निरंतर थाने में जा कर के SP ऑफिस जा कर के यही चिल्ला रही है कि मेरी लड़की फला फला जगह है, मेरी लड़की इन लोगों के साथ में है, मेरी लड़की को खतरा है, लेकिन प्रशासन ने इनके पक्ष में कार्रवाई न करते हुए केवल इनको वहां से थाने से भगाने का काम किया, और आज ये दिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से देखने को मिला कि उस लड़की की लाश हम लोगों के पास में है। ये प्रशासन की पूर्णतः लापरवाही है, और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता और हिंदू समाज लापरवाही को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बच्ची को न्याय दिलाने में हिंदू जागरण मंच को जो भी क्रमबद्ध आंदोलन करना पड़ेंगे वो सब करेंगे, और जो भी दोषी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे हत्यारे हों, सबको कानूनन दंड दिलाने का कार्य प्रशासनिक माध्यम से हिंदू जागरण मंच करेगा।